बिग बॉस के घर के अंदर सब कुछ देखने को मिल रहा है। इमोशंस भी हैं, हाई वोल्टेज ड्रामा भी है और रोमांस का तड़का भी इस वक्त बिग बॉस के घर में नजर आ रहा है। बिग बॉस 17 के लेटेस्ट एपिसोड में घर वालों के बीच काफी सारा हंगामा देखने को मिला। वहीं सलमान खान ने खानजादी उर्फ फिरोजा खान को जमकर फटकार भी लगाई। सलमान कुछ कंटेस्टेंट को उनके बिहेवियर के लिए डांटते नजर आए। उन्होंने खानजादी को बार बार अपनी हेल्थ रिलेटेड मामलों को उठाने के लिए खूब डांटा फटकारा। लेकिन शो और भी ज्यादा तब इंटरेस्टिंग हो गया जब खानजादी ने आप देखा ना था, वो तो सलमान खान पर ही चिल्लाने लगी और ये देखकर घर वाले भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए। सलमान ने खानजादी को बाहर जाने के लिए कहा लेकिन वो नहीं गई। पिछले एपिसोड में टास्क के दौरान खानजादी को अपनी स्वास्थ्य समस्या के बारे में को कंटेस्टेंट के साथ चर्चा करते हुए देखा गया था। वो बहुत परेशान नजर आ रही थी। सलमान खान उन्हें समझाते हैं और बातचीत करते हैं। तभी खानजादी सलमान खान से कहती हैं कि उन्हें घर जाना है। वो रोने और चिल्लाने लगती हैं। इसके बाद अंकिता लोखंडे सलमान खान को बताती हैं कि खानजादी 3 साल तक व्हीलचेयर पर थी, वो गिर गई थी और उसे चोट लग गई थी और इसी बीच खानजादी गाली गलौज भी करती नजर आई। सलमान खान ने फिर कहा कि ये सब ड्रामा मेरे साथ नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि खानजादी के साइकेट्रिस्ट ने कहा है कि वो फिट थी और इसलिए वो घर में आई। आपको बता दें सारे घर वाले सोफा पर मौजूद होते हैं, सलमान खान उनसे बातचीत कर रहे होते हैं और इसी बीच खानजादी वहां से उठकर चली जाती हैं और बाथरूम में माइक निकाल कर फेंक देती हैं। पीछे पीछे अंकिता लोखंडे जाती हैं। ये सब देखने के बाद सलमान खान भी भड़क गए। 25 नवंबर के एपिसोड में खूब सारा ड्रामा देखने को मिला। देखा जाए तो खानजादी पर काफी ज्यादा लाइमलाइट थी। खानजादी अपने बिहेवियर की वजह से सबके निशाने पर आ गई। वेल, सलमान खान से कोई पंगा नहीं लेता लेकिन खानजादी ने सलमान खान को भी नहीं छोड़ा और उन्होंने कुछ इस तरीके से अपनी इमेज एक बार फिर से फैंस के सामने खराब कर ली। वैसे आपको बता दें इसके बाद सलमान खान एविक्शन होने वाले कंटेस्टेंट की अनाउंसमेंट करते हैं और बताते हैं कि जिग्ना वोरा शो से बाहर होती है। एविक्शन की अनाउंसमेंट कर सलमान खान वहां से चले जाते हैं। खानजादी फिर से घर से बाहर जाने की जिद पर अड़ी रहती हैं। अंकिता उन्हें समझाती हैं। इसके बाद खानजादी के लिए एक डॉक्टर बुलाया जाता है और वो उन्हें ट्रीटमेंट देता है। वेल, अगर आप भी बिग बॉस सीजन 17 को फॉलो कर रहे हैं तो आप भी हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके यही जरूर बताएं कि आपको खानजादी का अब तक का गेम कैसा लग रहा है। बाकी एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें NBT एंटरटेनमेंट।